हाई एवरीवन, दिस इज़ मयंक कोठारी। सो दिस वीडियो इज़ इन सपोर्ट ऑफ द नीरज सर एंड पंकज सर वीडियो जो कि उन्होंने रिसेंटली यूट्यूब पे डाला है रिगार्डिंग द मिस्टेक्स दैट इज़ हैपनिंग इन द चेकिंग प्रोसीजर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नो डाउट अबाउट इट, दोनों ने जितनी भी चीज़ें कही थी 100% सही है और कई सारे पेपर, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि मई 2018 के एग्ज़ाम में गलत चेकिंग हुई है, ये कई सालों से चलता आ रहा है। हर बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स आते हैं टीचर्स के पास में ये बता के कि देखो सर स्कैन कॉपी है, इसमें मेरे को इतने मार्क्स मिले, जबकि 100% आपका सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहा था, मैच करता भी है कई हद तक। भले ही आंसर गलत हो सही हो मैच करता है, फिर भी आपको आंसर, आपको मार्क्स उसमें नहीं दिए जाते। ऐसे टाइम पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन उठाता है जैसे कि सर क्या करें, टीचर के पास में अल्टीमेट, टीचर के पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता ये बताने की कुछ नहीं कर सकते, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज ऑल टुगेदर अ केस ऑफ अ लक नाउ, नो डाउट अबाउट इट। मैं ये आपको, मैं डिनाई भी नहीं करूँगा इस चीज़ को कि हार्ड वर्क मैटर्स, मेहनत करने से बहुत सारी चीज़ें हासिल होती है, लेकिन जब सिस्टम में गड़बड़ी हो तब आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये एक तरह से लाइफ के साथ खिलवाड़ होता है, बिकॉज टाइम मैटर्स मोस्ट। 6 महीने एक मार्क से वेस्ट हो सकते हैं किसी के भी, और अगर आपके सिस्टम में, प्रोसीजर में गलतियां हैं सो दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। एंड फॉर दिस नीरज सर ने आवाज़ उठाई, पंकज सर ने क्लियर कट पेपर दिखा के ये बताया कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। मैं आपको एक दो केसेस बताऊँगा SFM के पेपर में भी जो कि मिस्टेक्स हो रही है, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स, रिस्पेक्टिव टीचर्स, कि प्लीज़ स्कैन कॉपीज़ जो भी आपको स्टूडेंट से मिली होगी तो एटलीस्ट एक या दो पेपर, तीन पेपर आप पता लगाए कहाँ पे मिस्टेक्स है, जहाँ पे मार्क्स मिलने चाहिए थे बच्चे को लेकिन नहीं मिले। कलेक्टिवली इट विल ब्रिंग रिवॉल्यूशन। कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स है इंस्टीट्यूट के बारे में और CA कोर्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, भले ही वो चीज़ें आज आपको कड़वी लगे, बट दीज आर द फैक्ट्स विच एवरी वन एक्सपीरियंसेस आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग, व्हेन दे स्टार्ट डूइंग समथिंग और स्ट्रगलिंग फॉर देयर करियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको SFM के पेपर के बारे में बताता हूँ जो मई 2018 में हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो मई 2018 SFM का पेपर, आउट ऑफ ऑल द एट पेपर्स SFM का जो क्वेश्चन पेपर था ओल्ड सिलेबस का, इंस्टीट्यूट ने उसमें काफ़ी सारी गलतियां की थी क्वेश्चन पेपर सेट करने में ही। उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन पेपर के बाद में वीडियो भी डाला था कि आप गलतियां क्या क्या है और आप मेल करिए इंस्टीट्यूट को। नो डाउट अबाउट इट, आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट ऑफ इट, बट वन फैक्ट इज देयर, हज़ारों मेल गए थे उसके बाद में इंस्टीट्यूट को, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो हर एक की आंसर शीट में, जब अगर 40 मार्क है तो उनको एक्चुअल मार्क्स 50 या 48 ऐसे दिए गए, सो ग्रेस मार्किंग थी। ये कब पता चला? ये तब पता चला जब स्कैन कॉपीज बच्चों ने मुझे भेजी और बच्चों ने क्लियर कट ये चीज़ बोली है कि सर हमारे इसमें तो सिर्फ 56 है जबकि मेरे को 64 मिले, 40 है जबकि मेरे को 46 मिले, सो ग्रेस मार्किंग दी है क्योंकि इंस्टीट्यूट की गलती थी क्वेश्चन फ्रेम करने में। लेकिन इसी पूरे चक्कर के दौरान कई सारे बच्चे हैं जिनको नुकसान भी हुआ है और उनके 6 महीने वेस्ट भी हो गए। सो दिस बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन वी हैव टू स्पेंड एंटायरली 6 मंथ्स अगेन व्हेन वी आर नॉट एट फॉल्ट। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पेपर था मई 2018 का। मैं सिर्फ दो पेपर बताऊंगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत सारे पेपर्स मेरे पास में आए पड़े हुए हैं और तकरीबन हर दूसरे पेपर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी निकलती है जहाँ पे बच्चों को मार्क्स मिलना चाहिए था, 2 से 4 से 10 मार्क तक बढ़ सकते थे लेकिन नहीं बढ़े। सबसे पहले मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3A, दिस इज रिगार्डिंग द फॉरेक्स, फॉरेक्स वाला ये क्वेश्चन था, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, टाइम ऑलरेडी चल रहा था आपका 4 अप्रैल, अगर आप ध्यान देंगे तो ऑलरेडी जो करंट रेट चल रहा था वो करंट मंथ चल रहा था वो अप्रैल। इंस्टीट्यूट ने गलती ये की थी कि फ्यूचर के रेट में उन्होंने मार्च भी इंक्लूड कर दिया था, सो मार्च अप्रैल मई जून, इंस्टेड ऑफ दैट इट शुड, मार्च वहाँ पे एक्चुअल में होना नहीं चाहिए था। अब आंसर में, आंसर लिखते समय पे ज़रूरत थी अप्रैल के रेट की, आंसर के टाइम पे ज़रूरत थी अप्रैल के रेट की एक पॉइंट पे आके, और अप्रैल के रेट अगर लेना था तो वो रेट था 63.5675, अगर हम अप्रैल का रेट यहाँ पे ले तो। एक बच्चे ने सेम यही किया, मैं आपको बताता हूँ अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो बच्चे ने यहाँ पे 63.5675 वही लिया क्योंकि रेट अप्रैल का लेना चाहिए था आस्क, तो बच्चे ने वही किया और आंसर आया 29,000। आप देख सकते हो यहाँ पे उसको मार्क्स
नहीं दिए गए हैं, ये टोटल जीरो मिला है उसको। इतना ही नहीं, मेरे हिसाब से भी जब मैंने एग्ज़ाम के जस्ट बाद सजेस्टेड आंसर रिलीज़ किया था तब मैंने भी उसको 63.5675 ही लिया था, 29,000 ही था। मेरे भी सजेस्टेड आंसर के हिसाब से यही सही होना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया सर, इंस्टीट्यूट ने क्या किया ध्यान देना, इंस्टीट्यूट चालाक, इंस्टीट्यूट ने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया। बोलने का मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है कि अभी कहाँ लिखा है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो क्वेश्चन पेपर में, सजेस्टेड आंसर में उन्होंने ये एक चीज लिखी कि इन क्वेश्चन पेपर दिस मंथ एंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स वेर मिस्टेकनली प्रिंटेड एज प्रीवियस मंथ। यानी कि ये जो टेबल दिया गया था, अप्रैल के आगे आप देखोगे वो एस्ट्रिक है, ये महीना और उसके आगे के महीने गलत तरीके से प्रिंट हो चुके थे। अब आप देख रहे हो तो सजेस्टेड आंसर में उन्होंने अप्रैल मई जून जुलाई कर दिया, जबकि क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे सो ये मार्च अप्रैल मई जून है। क्वेश्चन पेपर को अगर ध्यान में रखो तो हम क्वेश्चन नहीं बदल सकते, एज अ स्टूडेंट हम क्वेश्चन कभी नहीं बदल सकते। सो जो दिया है उसके हिसाब से हम आगे लेके चलते हैं, और उसी के हिसाब से अप्रैल का रेट बनता था 63.5675। बच्चे ने लिया सिर्फ 60, वही पर्टिकुलर रेट जो अप्लीकेबल था, लेकिन इन भाई साहब ने मतलब इंस्टीट्यूट ने वो रेट बदल दिए, यानी कि अब जो रेट अप्लीकेबल होगा वो अप्रैल वाला यहाँ पे 63.4275 होगा, जो कि मार्च का रेट था क्वेश्चन पेपर में। गलत कर दिया, अजम्पशन गलत हो गया, एक गलती ये। दूसरी गलती मैं आपको और बताता हूँ, जहाँ पे क्लियर कट इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि अजम्पशन आप कुछ और भी ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5B, प्रोमोटर वाला क्वेश्चन आप लोगों को अगर याद होगा, अगर आप सीए फाइनल में आपने अगर पिछला अटेम्प्ट दिया है तो आपको जरूर याद होगा कि प्रोमोटर वाले क्वेश्चन में एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी कि प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है। सो ठीक है, इंस्टीट्यूट ने जब सजेस्टेड आंसर निकाला तो उसमें उन्होंने ये लिखा, ध्यान देना, सिंस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोमोटर्स होल्डिंग इज मिसिंग इन द क्वेश्चन अबव सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ प्रोमोटर्स होल्डिंग एज 80%। हाउ एवर स्टूडेंट कैन अज्यूम एनी परसेंटेज अदर दैन 80% एंड सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। इनका बोलने का मतलब है कि अगर आप कोई और भी रेट लेते हैं, गलती हमारे से हुई है, 80% जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी प्रोमोटर्स होल्डिंग की वो नहीं दी थी, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी परसेंटेज लेते हैं, हमने तो 80% से सजेस्टेड आंसर आपको दे दिया, लेकिन आप भी अगर कोई भी परसेंटेज से लेते हो तो आपका आंसर सही दिया जाएगा। सो बच्चे ने यही किया, बच्चे ने अब हर कोई अलग 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 रेट लेगा, बच्चे ने अजम्पशन लिया। अब बच्चे ने क्या अजम्पशन लिया ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत ही बारीक है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये सजेस्टेड आंसर, सॉरी बच्चे की स्कैन कॉपीज है। बच्चे ने अजम्पशन लिया 90% का कि सर मैं 90% अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, 90% अज्यूम करते हुए बच्चे ने आगे सारे कैलकुलेशन किए और सारे के सारे सही हैं, चेक करिए किए हुए, और उसको कितने मार्क्स मिले सर, जीरो। आप यकीन नहीं करोगे, ये पूरा क्वेश्चन 8 मार्क का क्वेश्चन है आई थिंक, लेट मी चेक वंस अगेन, क्वेश्चन नंबर 5A ये 8 मार्क का ही क्वेश्चन होगा, 5B सॉरी, 8 मार्क का क्वेश्चन था और पूरे के पूरे 8 मार्क गड़बड़ आ गए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अजम्पशन उसने 90% लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भले इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में ये सब चीजें लिखी हो, लेकिन पेपर चेक करने वाले अनपढ़ थे। इंस्टीट्यूट की तरफ से इतना मतलब प्रोफेशनलिज्म की जो बात हम करते हैं पूरे ऑडिट में, एथिक्स में, हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पूरे कोर्स में, सीए में प्रोफेशनलिज्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब हम पेपर चेक कराते हैं तो हम अनपढ़ गवारों से पेपर चेक कराते हैं। जो सिर्फ इतना ही नहीं, और ये सिर्फ ये दो पेपर के भरोसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो पिछली 2-3 अटेम्प्ट में मैंने पेपर चेक किए वहाँ से क्लियर कट ये पता चलता है कि सिर्फ एक ही चीज़ होती है, सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने ये दिए हैं, इसके हिसाब से हर चीज़ मैच करेगी तो हम मार्क्स देंगे, नहीं तो नहीं मार्क्स देंगे। दिमाग नहीं है किसी के पास में भी, ये मैं 5वीं क्लास के बच्चे से भी करा सकता हूँ, छोटे मोटा उसको बस इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। चलो सर कम से कम इतना तो करें इंस्टीट्यूट कि 5 मतलब यहाँ पे सजेस्टेड में दिया हुआ है तो वैसा का वैसा अगर लिखा है तो वहाँ पे मार्क्स दे दे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी गड़बड़ है।
जस्ट ये वीडियो बनाने के पहले मेरे को टेलीग्राम पे एक बच्चे ने मैसेज किया था अकॉर्ड रिगार्डिंग द इसका पेपर. उसका मई 2018 का इसका का पेपर था और उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया कि सर मेरे स्कैन कॉपी में, मेरी आंसर शीट में डिक्टो प्रैक्टिस मैनुअल जैसा, सॉरी सजेस्टेड आंसर में जो लिखा है वैसा लिखा हुआ है, और स्टिल उसमें चार चार पाँच पाँच मार्क की जगह एक मार्क दिया है. मैं आपको रिसेंटली ये बता देता हूँ. हाउएवर, मतलब ऑल दो इट इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, बट स्टिल जस्ट वीडियो बनाने के पहले ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, तो आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू ऑल्सो. सो इट्स नॉट ओनली हैपनिंग इन SFM और ऑडिट एज सेट बाय द पंकज सर, इट इज़ हैपनिंग इन एवरी डैम सब्जेक्ट. सो ध्यान देंगे, ये इसका का पेपर है, इसका की स्कैन कॉपी कि एक बच्चे की, ये आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A. अगर आप देखोगे तो इधर 1A है, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 1A, मुझे क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा ना इसके लिए, रुको एक सेकेंड. ध्यान देना, सजेस्ट आंसर निकाल रहा हूँ. दिस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1A क्या बोलता है? अब मैंने भी वही क्वेश्चन लिया जो कि इजीली मेरे को भी समझ में आ जाए, ज़्यादा डिटेल में मैं भी नहीं जा रहा हूँ उसमें. सम ऑफ द बिजनेस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एक्सपोर्ट सिस्टम बताओ, एक्सपोर्ट सिस्टम के कुछ बिजनेस एप्लीकेशन एरियाज बताओ. तो वो सजेस्टेड आंसर में हमने लिखा इंस्टीट्यूट ने कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल, जनरल बिजनेस एंड सो ऑन. ये पाँच छः चीज़ें लिखी. अब आंसर शीट देखते हैं. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल, जनरल, सारी चीज़ें लिखी हुई है. और आपको मार्क्स कितने मिले हैं सर? ये आधा है कि डेढ़ है, ये भी नहीं समझ में आ रहा. सो लेट्स से डेढ़ होगा. कितने मार्क्स का पेपर था वो, क्वेश्चन था वो? सर ये क्वेश्चन आपका पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन है, ABCD. हाँ 5 मार्क का क्वेश्चन है और आपको कितने मिले? डेढ़. और ऐसा उस पेपर में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आगे और 15-20 मिनट आपको यही दिखाते हुए वेस्ट कर सकता हूँ कि जहाँ जहाँ चार चार पाँच पाँच मार्क का क्वेश्चन है सेम टू सेम इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के हिसाब से लिखा हुआ है, वहाँ उसको 1, 1.5, 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं मिले. बंदे को मार्क्स टोटल कितने हैं? आई थिंक उन्होंने वो मेरे को भेजा नहीं है. बंदे को टोटल मार्क है 29. आप सोचो यार, दो दो मार्क करते हुए इसके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है पाँच से छः सब क्वेश्चन में भी अगर दो दो मार्क बढ़ जाते तो बंदा पास हो जाता, 40 के आगे निकल जाता. आई डोंट नो द टोटल ऑफ द टोटल एग्रीगेट में होता है नहीं होता, लेकिन ये सब्जेक्ट निकल जाता. व्हाट हैपन्ड? 6 महीने वेस्ट हो गए और हम अपनी ज़िंदगी के 6 महीने कुर्बान करके वापस आप ही की चीज़ें पढ़ेंगे. चलो कोई नहीं, पढ़ ले. बच्चे ऐसे करते भी आए हैं सर, क्वेश्चन ये उठता है कि अब हम क्या करें. ऐसे टाइम पे टीचर के पास में आंसर नहीं होता, भैया बस पढ़ लो, क्योंकि ये लक वाली बात आ गई, अगली बार पास हुए तो पास हुए. और इसी तरह से सारा का सारा लॉट निकलते जा रहा है. सर रैंकर्स कैसे पास होते हैं? मतलब ठीक है, रैंकर्स के भी तो यही पेपर आते हैं, रैंकर्स कैसे पास होते हैं, निकल जाते हैं. सो द एंटायरली मैं आपको बस इतनी सी चीज़ बोल रहा हूँ कि सारा का सारा सिस्टम जो है चेकिंग का, SFM हो, इसका हो, ऑडिट हो, और भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे. रिक्वेस्ट योर फैकल्टीज़, आपके टीचर्स जो होंगे उनको रिक्वेस्ट करो, उनको बोलो कि बताइए सर, आने दो ना सारे ज़माने के सामने. इंस्टीट्यूट एक गलती कर रहा है, इंस्टीट्यूट को ये नहीं पता आज की डेट में यूट्यूब का पावर क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि एक छोटी सी गलती और पूरे देश भर में सबको पता चल सकती है. एंड कुछ फैक्ट्स की बातें करता हूँ. ये मैंने आपको SFM के बारे में बता दिया, मैं आपको कुछ फैक्ट्स की बातें फैक्ट्स बताता हूँ बेसिकली, जो शायद आप लोगों को अच्छी ना लगे, जो मैं जनरली अवॉइड करता था बीच बीच में ये बताना, बिकॉज दिस मे बी अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर CA स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना हम मार्केट में हाइप बना के रखे हैं हम लोगों ने कि CA ऐसा, CA वैसा, CA वैसा, इतना कुछ नहीं है. जिस दिन आप CA फाइनल क्लियर करोगे और CA बनोगे और जब आप एक्चुअल में पैसे कमाना शुरू करोगे, अपना करियर और शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है. जितनी पढ़ाई में आप मेहनत कर रहे हो उससे लाख गुना आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी. और सबकी किस्मत वैसे नहीं होती, आपके हार्डवर्क, आपके टैलेंट, आपके स्मार्ट कितने हो आप, उस पर डिपेंड करता है, डिसीजन पर डिपेंड करता है. सेकेंड चीज, सबसे थर्ड क्लास पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का हम लोगों का, ना कि CA का, मैं पूरे इंडिया का ही बता रहा हूँ. जो सिस्टम बनाया गया है थर्ड क्लास सिस्टम है. CA बनने के बाद में बच्चा जब जॉब करने जाता है, लिटरली सेइंग उसकी इतना, उसको वो इतना डेवलप्ड होता ही नहीं है
कि एज अ सीए रिप्रेजेंट कर सके, और आपने आर्टिकलशिप में भी अपने सीनियर्स को बोला होगा, मन में बोला होगा या दोस्तों के साथ बोला होगा कि ये सीए कैसे बन गया। और ऐसा एक ऑफिस में नहीं, हर ऑफिस में होता है। कहाँ से होता है और क्यों होता है ये सब चीज़ें? बिकॉज हम लोग सिर्फ इंस्टीट्यूट क्या कराता है, सिर्फ बुकिश नॉलेज के भरोसे, और डिक्टो वैसी की वैसी लैंग्वेज होना हमको, वो के वो वही वर्ड होना, तब मार्क्स मिलते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, हम बोलते ज़रूर हैं कि भैया वर्ल्ड में टॉप ऑर्गेनाइजेशन या टॉप इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग बॉडी में हम लोग आते हैं, लेकिन पैटर्न इतना ख़राब है कोई गिनेगा नहीं आपको। सीए बनने के बाद में आप इंडिया के बाहर चले जाओ, कोई गिनेगा नहीं आपको। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सीएफए। सीएफए का पैटर्न बहुत सिंपल है, एमसीक्यू बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट इमेजिन, फर्स्ट लेवल, थर्ड, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, पैटर्न बदलता है लेकिन एमसीक्यू बेस्ड रहता है मैक्सिमम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे वो लोग एग्जाम ले रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, एंड इट इज़ रिकग्नाइज्ड इन फाइनेंस, इट इज़ रिकग्नाइज्ड चार्टर इन फाइनेंस। सीए से बेटर, मतलब अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो सीए से बेटर है सीएफए करना। वी कैन अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी। नहीं अपना खुद का कुछ इन्वेंट कर सकते, क्रिएटिव नहीं हो सकते, तो कम से कम अच्छी चीज़ें कॉपी तो कर लें, वो भी हमसे नहीं हो पा रहा, सिस्टम बहुत बेकार है। अच्छा, एक और फैक्ट बताता हूँ कि रिसेंटली एक वन ऑफ द रीजनल काउंसिल मेंबर, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्लियर कट मीटिंग में यही बोला है कि इतने स्टूडेंट्स हो चुके हैं कि अब इंस्टीट्यूट से खुद से मैनेज नहीं हो पा रहे। सो दैट्स वाई देर आर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स दैट आर हैपनिंग। इनफैक्ट इतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल इतने रद्दड़ होते हैं, इतनी मिस्टेक्स होती है उसके अंदर में, और उसके बाद इंस्टीट्यूट जब जब पता चलती है तब एक कोरिएंडम लाके उसको क्लियर आउट कर देती है, और ये कहीं पे भी नोटिफिकेशन में सामने नहीं आता। मैंने ये नोटिस किया, आप अगर वेबसाइट पे देखोगे तो इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन वाले एरिया में नहीं लाता उसको, बस यहाँ पे एसएफएम में जाओ, यहाँ पे कोरिएंडम मिलेगा आपको, और यहाँ पे डाउनलोड कर लो, ये नहीं बताएगा ये हमारी गलतियाँ है, उसको हमने ये सुधारा है। आप बस यहाँ पे अपलोड कर दोगे कि भैया चलो ठीक है, जिनको पता चले पता चलती रहे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, न्यू सिलेबस का जो अगस्त 17 का मटेरियल है उसमें कई सारी गलतियाँ हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, और उसके लिए उन्होंने कोरिएंडम डाला भी है, उसके बावजूद और भी गलतियाँ हैं जो कि उन्होंने कोरिएंडम में अभी तक आई नहीं है, वो आएगी आगे, और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन में उसको फ्रंट पेज पे नहीं डाला, ये बस पीछे डाल के रख दिया। हर कोई इंस्टीट्यूट का बोलना है कि भैया आप जाओगे वेबसाइट पे, देखोगे स्टडी मटेरियल के सॉफ्ट कॉपीज़ वगैरह डाउनलोड करने, तब आपको मिल जाएगा, तो अच्छी बात, नहीं तो फिर अच्छी बात। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस मैनुअल। प्रैक्टिस मैनुअल इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसमें भी कई सारी मिस्टेक्स, एसएफएम में तो है ही है, डैम श्योर मैं आपको बताता हूँ, गलत गलत आंसर भी लिखे हुए हैं कितने सारी जगह पे। जैसे कॉल पुट होना चाहिए तो मतलब पुट कॉल होना चाहिए था तो पुट ऑप्शन लिख दिया, पुट होना चाहिए तो कॉल लिख दिया, ऐसी गलतियाँ। उसके बाद में जो हम लोगों को तरीका है, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ, चलो ठीक है ये सब चीज़ें तो है, अब उसका क्या करना है देखा जाएगा इंस्टीट्यूट को। मैं तो चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओ, आई थिंक कहीं पर आपको अगर ईमेल आईडीज़ वगैरह मिलते हैं तो पता करो और सब लोग मेल डालो। मैं इतना तो नहीं कह सकता कि ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन मुझे एक खुशी है कि जब एग्ज़ाम का जो एसएफएम क्वेश्चन पेपर जब आया था उसका मैंने ये वीडियो डाला था मेल की, मेल करो इंस्टीट्यूट को कि ये गलतियाँ है कंसिडर करें, बट उससे रिलेटेड हो ना हो, कहीं ना कहीं हर मैक्सिमम पेपर्स में एक्चुअल आंसर और फाइनल आंसर में ग्रेस मार्किंग जैसे आपको मिली है, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा भी अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं करने से तो बेटर है कि एक 5 मिनट का एफर्ट लेके आप थोड़ा बहुत मेल कर दो। सो अगर आपको कहीं पे मिलता है, मतलब मैंने निकाल के नहीं रखा ये वीडियो बनाने के पहले, अगर मिलती है ईमेल आईडीज़ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, कम्युनिकेशन डिटेल, जैसे स्टूडेंट सर्विसेज है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के हेडक्वार्टर, ये रहा, यहाँ से उठाओ और सब लोगों को मेल मारो, सीसी में बीसीसी में डाल के सब लोगों को, एक को भी नहीं छोड़ना। देखो अब अगर 1, 2, 10, 15 मेल जाएंगे ना, उससे कुछ नहीं होने वाला, हज़ारों मेल जब जाएंगे तब इंस्टीट्यूट में भी एक्शन ले सकती है, जब ये चीज़ें बाहर मार्केट में फैलेगी और पता चलेगी कि इंस्टीट्यूट कितना प्रोफेशनलिज्म फॉलो कर रही है, कितना स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, कितना सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो कर रही है, तब इंस्टीट्यूट को बदलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहता ऐसे टाइम पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बदलने के अलावा। क्यों होता था आज तक, क्यों ठीक नहीं किया गया? आज तक इसलिए ठीक करने किया नहीं गया क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, चल रहा है, जब दिक्कतें सामने आती नहीं है तब तक हम सुधरते नहीं है, ठोकर जब तक हम नहीं खाते तब तक कोई नहीं सुधरता, सेम इज़ विद द इंस्टीट्यूट। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ, सिर्फ सीए की डिग्री के भरोसे मत रहना।
जिन लोगों को 5 से 6 से 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो, सीधा सीधा बताता हूँ। अगर इंटरेस्ट नहीं है ये सब काम नहीं करना आगे में, ऑडिट टैक्सेशन या अकाउंट्स, अगर आपको इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है ये पूरे एरिया में तो छोड़ दो, जो चीज़ में इंटरेस्ट है आगे बढ़ जाओ, क्योंकि लाइफ में आपको सिर्फ डिग्री काम नहीं आने वाली। आप बिल्कुल भी सोच के मत बैठना। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि बस डिग्री का वेट कर रहा हूँ, डिग्री का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद लाइफ बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। कुछ नहीं बदलती लाइफ, और आपको असलियत दिखाती है कि पढ़ाई वाला दौर और जब कमाई वाला दौर आता है टोटली डिफरेंट होता है। जो आप पढ़ते हो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके काम नहीं आती, क्योंकि तरीका नहीं होता। आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से एग्ज़ाम ली जाती है, वो सही नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूट्स मिस्टेक दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू ऑल, एंड दिस इज़ हैपनिंग। सर नवंबर 2018 आ रहे हैं, हमने क्या करना चाहिए, हमको कुछ बता दो। चलो ठीक है सर, जितना हो गया सो हो गया, अभी हम लोगों के लिए कुछ बता दो। मैं आप लोगों से दरख्वास्त यही करूँगा कि जिस तरीके से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे, प्रैक्टिस मैनुअल को ज़रूर तवज्जो दीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी भी पेपर वैसे ही चेक करता है, कोई सुधरेगा नहीं नवंबर 18 तक। सो प्रैक्टिस मैनुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाकी कुछ हद तक लक काम आएगा ही आएगा। आई होप कि इंस्टीट्यूट आगे से या आने वाले जो पेपर्स है उसमें चेकिंग सुधारे। ये बात तो कन्फर्म है कि अनपढ़ गवारों को बिठाया जाता है पेपर चेक करने के लिए, एंड आई डोंट नो वाई। मतलब पैसे तो ले ही रही है सब, सारे स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम फीस इतनी ज़्यादा ली जाती है, तो वो पैसे जाते कहाँ हैं? और अगर सस्ते में निपटाना होता तो मेरे पास में भी 8वीं 10वीं वाले बच्चे होते, मैं उनको बुला लेता हूँ छुट्टियों में कि चलो ठीक है आपको पैसे चाहिए एक दिन काम कर ले चल ले। ऐसे ही तो मे बी इंस्टीट्यूट भी कर सकती है। चलो ठीक है, कोई नहीं, एट द एंड आई विल सीक फॉर योर फॉरगिवनेस इफ एनी हाउ बाय एनी वर्ड एनी मीन आई हैव हर्ट यू और योर फीलिंग्स। आई डिड नॉट इंटेंड टू, जस्ट आई वॉन्ट टू कन्फर्म वन थिंग दैट दिस हैज़ टू कम अप इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक सो दैट देर विल बी अनादर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इवन आई वॉन्ट दैट द एंटायर इंस्टीट्यूट द CA करिकुलम शुड इम्प्रूव। I am a chartered accountant and I will be proud of it on that day. Bye bye.